हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। अगर आप सेकंड कैलकुलेट करना चाहते हैं कि सेकंड कैसे कैलकुलेट करें दो टाइम्स के बीच में, तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखते रहिए और एट द एंड ऑफ द वीडियो आपको ये जरूर समझ में आ जाएगा कि ये सेकंड कैसे कैलकुलेट करेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में। तो सबसे पहले यहाँ लिख देता हूँ नेम, यहाँ लिखा नेम, और यहाँ पर आ जाएंगे तो इसे रखेंगे शॉर्ट टेक्स्ट, और फिर यहाँ पर जैसे ही आएंगे तो यहाँ लिखता हूँ मैं टाइम इन। क्या लिखा मैंने? टाइम इन, ये टाइम इन लिख दिया हमने। और यहाँ पर डेट एंड टाइम डेटा टाइप रखेंगे हम, और ये डेट एंड टाइम रखा हमने, और फिर यहाँ पर टाइम आउट की बात करेंगे तो यहाँ लिखा मैंने टाइम आउट, ठीक है। और टाइम इन भी हो गया और टाइम आउट भी हो गया, और यहाँ पर भी डेट एंड टाइम डेटा टाइप ही रखेंगे, और यहाँ से व्यू पे करेंगे क्लिक, और यहाँ से इस तरह से जैसे मान लीजिए मैंने लिखा राम, और यहाँ पर टाइम हमें देना है, डेट एंड टाइम देना है, तो यहाँ पर यहाँ से जाइए डेट चूज कीजिए, और यहाँ पर टाइम दे देता हूँ 8, ठीक है। और यहाँ पे टाइम आउट की बात कर लेते हैं तो डेट तो सेम ही रखेंगे, एक घंटे में देखते हैं कितना डिफरेंस आता है, तो ये यहाँ पे कर देता हूँ 9, ठीक है, एक गैप देखे 9, ये इस तरह से 9 कर दिया हमने। अब ये एक घंटे का समय है और एक घंटे के टाइम में कितना गैप आ रहा है ये देखते हैं। पहले इसको मैं बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको ठीक से दिखाई पड़े। ये देखिए ये 8 है और ये 9 है, डेट सेम है, आप देख सकते हैं 2021 की बात है। अब यहाँ पर क्वेरी बनाते हैं, तो क्रिएट पे चलते हैं। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि हम कौन सा कीवर्ड यूज करते हैं मिनट के लिए और कौन सा कीवर्ड यूज करेंगे सेकंड के लिए, वो आज बताऊंगा। तो यहाँ पे टोटल सेकंड करूंगा, टोटल एस कर देता हूँ, एस यानी सेकंड, ठीक है, और यहाँ कोलन लगा देता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे डबल एटेड कोट्स में एस लिखूंगा, कॉमा दूंगा, ठीक है, और कब एस लिखूंगा, डेट डिफ फंक्शन लिखने के बाद, फॉर्मूला लिखने के बाद, तो यहाँ पे लिखता हूँ डेट डिफ, ठीक है, ये डेट डिफ लिख दिया हमने। और अब यहाँ पे लिखा है मैंने एस, ठीक है, और यहाँ पर इसको थोड़ा जूम व्यू पे लेता हूँ, आपको ठीक से दिखाई पड़ेगा। ये देखिए ये इस तरीके से, और यहाँ पर सबसे पहले टाइम इन ले लेते हैं, तो यहाँ लिया मैंने टाइम इन, ठीक है, क्लोज किया ब्रैकेट को और कॉमा देंगे, और फिर यहाँ पे लिखेंगे टाइम आउट, टाइम आउट हो गया, बस इतना ही लिखना है, ब्रैकेट को क्लोज कर देना है और यहाँ से ओके प्रेस करना है और यहाँ पर रन पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास कितने सेकंड होते हैं एक घंटे में, ये आ चुका है, ठीक है, आप देख लीजिए। यहाँ पर अगर मैं यहाँ पे दूसरा कोई नाम एंटर करता हूं, जैसे मैंने लिख दिया पिंकी, ये लिख दिया, और यहाँ पर आता हूं और यहाँ पर कुछ और कर देता हूं, जैसे सपोज कीजिए यहाँ पर कोई और डेट ले लेता हूँ, सेम डेट लेते हैं, टाइम यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट कर देता हूँ, यहाँ 9:00, ये इस तरीके से 9:00, ठीक है, तो ये कर दिया हमने 9 बजे का टाइम, इसको थोड़ा सा यहाँ से गैप दे देंगे, 9 बजे का टाइम मैंने कर दिया है, और यहाँ पर डेट सेम रखेंगे। अब इस बार 2 घंटे करता हूँ, ठीक है, तो अब 11 बजे करता हूँ ताकि हमें पता चलता रहे कि ये हो क्या रहा है, ठीक है, तो कितने का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे 11 बजे का टाइम कर देता हूँ और ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर आए तो 7200 सेकंड आ रहा है, आप देख सकते हैं, ठीक है, तो इस तरीके से आप सेकंड कैलकुलेट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं बात आपके समझ में आ गई होगी, अगर वीडियो पसंद आए तो उसे शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।